जहां एक तरफ देश की रक्षा के लिए दिलो जान से बॉर्डर पर डटे रहते हैं, जिनके साए में हम देश में सुरक्षित रहते हैं, और इन्हीं के डर से दूसरा देश भारत पर आग दिखाने से भी डरता है, और ऐसे वीर जवानों की देश के अंदर सम्मान नहीं मिल पाता है। ताज़ा मामला आजमगढ़ के थाना जहानागंज के निवासी ओम नारायण तिवारी का है। आर्मी में लद्दाख बॉर्डर पर तैनात थे, छुट्टियों में घर आजमगढ़ आए हुए थे, जिनके साथ जीआरपी पुलिस द्वारा मारपीट की गई। आर्मी जवान न्याय के लिए दर दर भटकता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। एसपी सिटी व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने यह मामला हमारा नहीं है कहकर बात को टाल दिया, जिससे आर्मी जवान के मुंह पर मायूसी साफ दिखाई दे रही है। और मैं रहने वाला यूपी आजमगढ़ जानागंज का हूँ। कहाँ पे पोस्टिंग है आपकी? नहीं, लद्दाख, लद्दाख पोस्टिंग है, लद्दाख। क्या हुआ है आपके साथ? इसमें प्रॉब्लम है कि मैं, समस्या है ये है कि मैं अगर जब मैं फैमिली को लेने आया 9 महीने बाद छुट्टी से, और मैं जब आजमगढ़ स्टेशन पर टिकट निकालने गया और मैं वहाँ पे गया, अंदर टेम्परेचर चेक करा के प्रॉपर मास्क लगा के अंदर एंट्री मारा मैंने, और जैसे अंदर एंट्री मारा तो उन्होंने मुझे मना नहीं किया, आई कार्ड दिखाया मैंने उनको प्यार से, और उन्होंने बोला ठीक है सर आप जाइए अपना जो भी काम करके आ जाइए। तो हम अपना काम करके अंदर भाषी जब बाहर निकले तो वहाँ पे आरपीएफ की टीम बैठी हुई थी, उनमें एक था SI रमेश चंद यादव, रमेश चंद मीना, और एक था SI अमित कुमार यादव, बाकी कांस्टेबल थे विनय आर दुबे, और एक था दुर्गा प्रसाद कांस्टेबल। इन चार लोगों ने मतलब मुझसे बस रुकी, बात की और मुझे कहा कि इधर आजा, कहाँ जा रहा है, और मुझे अंदर लेके उन्होंने अंदर गए और बोले कि क्या है क्या कर लेगा, और उन्होंने मुझे अंदर घसीट के अंदर ले गए। मतलब सर मैं आर्मी पर्सन हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा कुछ गलत काम तो किया नहीं। उन्होंने मुझे अंदर लेके गए और जबरदस्ती उन्होंने मेरा मोबाइल छीना, मेरा आई कार्ड भी छीना, मेरे पैसे भी छीने, और जब मेरा साहब मुझे घर बात करने दो या मेरे सीओ साहब से बात करने दो, उन्होंने मुझे बात नहीं करने दी। उन्होंने बोला तू यहाँ पर आर्मी घन मत दिखा, ये तो ये आर्मी नहीं है। उन्होंने मुझे यहाँ वहाँ से पूरे पैर पे चोट मारे, पूरे यह सब उन्होंने मारा मुझे। मैं कुछ नहीं बोला, उन्होंने लॉकअप मुझे बंद कर रखा 11:30 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक मुझे बंद कर रखा था। तो आपने कार्ड दिखाया था? मैंने आई कार्ड दिखाया, उन्होंने मेरा आई कार्ड छीन लिया। मैं सर आई कार्ड मतलब अथॉरिटी नहीं आपको आई कार्ड लेने का, आपको हक नहीं पाने का, लेकिन उन्होंने मेरा फिर भी जबरदस्ती के वाला कि हम तुम्हें 2 मिनट में एक जेल डरवा देंगे, 3 साल तुम्हें कैद कर देंगे, तुम्हारे शीर्षक आपको रिपोर्ट लगा देंगे, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये धमकी देके हमें ब्लैकमेल किया गया। और मैं बहुत तंगा कि मैं चुपचाप रहा, मैंने बोला कुछ नहीं ठीक है, मैं शांत रहा, मैं बहुत सहन सकती हूँ आदमी हूँ, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल किया अपने सेना के नाम पे, इज्जत के नाम पे, मैं चुप रहा। अभी आप अधिकारियों का साथ मैं क्या हुआ? हर जगह मैं 3 दिन से मैं यहाँ पे चक्कर काट रहा हूँ, कभी यहाँ सिधारी पुलिस चौकी में, GRP पुलिस चौकी में, और जितने भी लोकल पुलिस चौकी सब में अपने अपनी गुहार लगाई, बस किसी ने मेरी सुनी नहीं। SP वगैरह और जो IPS साहब हैं उनकी भी मैंने गुहार लगाई, जो इनसे ऊपर जिला के अधीक्षक हैं उनकी भी गुहार लगाई, उन्होंने भी यही कहा कि आप GRP जाओ और वहाँ पे अपनी रिपोर्ट लगाओ। कोई नहीं सुन रहे, कोई कह रहे हैं गोरखपुर जाओ, कोई कह रहे हैं यहाँ जाओ, बताओ हम कहाँ कहाँ जाएँ। अच्छा आज कप्तान साहब क्या हैं, कप्तान साहब ने क्या कहा? उसने यही कहा कि ये हमारे बस हमारे अंडर में नहीं है, आप जाइए उधर पर रिपोर्ट लगाइए, GRP का मामला है, तो जो जाँच है वहाँ पर बात करिए। तो हम कहे कि ठीक है, हमारे सिरसा बात कर ली, वो बोले कि हम नंबर दे दिए, हम बात कर लेंगे, पर इन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, अगर इससे चलता रहेगा जवान के मामले में तो जवान कैसे सेना में मतलब बॉर्डर पर सुरक्षित रहेगा। और हम आज सेना के लिए लड़ रहे हैं और हमें यहाँ के हमारे में ये बुरा बर्ताव किया जा रहा है, तो हम सुरक्षित वहाँ रहें कि यहाँ रहें, बस आप ही मेरी गुजारिश है, प्लीज़ मेरी मदद करें। इस खबर में बस इतना ही।